जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सत्य घटनाओं से बनी हुई सच्ची कहानी श्रृंखला में। सबसे पहले मैं प्रभु श्री कृष्ण के श्री चरणों में विनती करता हूँ, क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि यदि कोई गलती मुझसे बनती हो तो उसके लिए प्रभु मुझसे क्षमा करने की कृपा करें, और यदि इन घटनाओं को सुनने से किसी भक्त के हृदय को दुख पहुँचता हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। प्यारे भाई बहनों, कभी कभी हमारे पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे होते हैं कि उनका फल हमें दूसरे जन्म में मिल पाता है। ऐसी ही यह सत्य घटना है भक्त भीम कुमार और उसकी पत्नी के बारे में। दक्षिण में वेंकटाचल के समीप कूर्म गांव में एक कुम्हार रहता था, उसका नाम था भीम। वह भगवान का बड़ा भक्त था। साधारण लोगों को उसकी भाव भक्ति का कुछ भी पता नहीं था, परंतु अंतर्यामी वेंकटनाथ उसकी प्रत्येक सेवा बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते थे। कुम्हार और उसकी पत्नी दोनों भगवान श्रीनिवास के अनन्य भक्त थे। इन्हीं दिनों भक्त प्रवर महाराज तोंडमान प्रतिदिन भगवान श्रीनिवास की पूजा स्वर्णमय कमल पुष्पों से किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा भगवान के ऊपर मिट्टी के बने हुए कमल तथा तुलसी पुष्प चढ़े हुए हैं। इससे विस्मित होकर राजा ने पूछा, भगवान, ये मिट्टी के कमल और तुलसी पुष्प चढ़ाकर कौन आपकी पूजा करता है? भगवान ने उन्हें स्वयं बताया कि कूर्म ग्राम से एक कुम्हार है जो मुझ में बड़ी भक्ति रखता है। वह अपने घर में बैठकर मेरी पूजा करता है और मैं उसकी प्रत्येक सेवा स्वीकार करता हूँ। राजा तोंडमान के हृदय में भगवत भक्तों के प्रति बड़े आदर का भाव था। वे उस भक्त शिरोमणि कुमार का दर्शन करने के लिए स्वयं उसके घर पर गए। राजा को आया देख कुम्हार उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। राजा ने कहा, भीम, तुम अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान श्रीनिवास के प्रति परम पावन अनन्य भक्ति का उदय हुआ है। मैं तुम्हारा दर्शन करने के लिए आया हूँ। बताओ, तुम भगवान की पूजा किस प्रकार करते हो? कुम्हार बोला, महाराज, मैं क्या जानूं भगवान की पूजा कैसे की जाती है? भला आपसे किसने कह दिया कि ये कुम्हार पूजा करता है? राजा ने कहा, स्वयं भगवान श्री निवास ने तुम्हारे पूजन की बात बताई है। राजा के इतना कहते ही कुम्हार की सोई हुई स्मृति जाग उठी। वह बोला, महाराज, पूर्व काल में भगवान वेंकटनाथ ने मुझे वरदान दिया था कि जब तुम्हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जाएगी और जब राजा तोंडमान तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे तथा उनके साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा, उसी समय तुम्हें परम धाम की प्राप्ति होगी। उसकी यह बात पूर्ण होते ही आकाश से एक दिव्य विमान उतर आया। उसके ऊपर साक्षात भगवान विष्णु विराजमान थे। कुम्हार और उसकी पत्नी ने भगवान को प्रणाम करते हुए प्राण त्याग दिए तथा राजा के देखते देखते वे दोनों दिव्य रूप धारण करके विमान पर जा बैठे। विमान उन्हें लेकर परम धाम वैकुंठ को चला गया। प्यारे भाई बहनों, जब हम ऐसी सत्य घटनाओं को सुनते हैं तो हमें विश्वास नहीं हो पाता है। उसका कारण यह है कि हमारे हृदय में प्रभु के प्रति वह भाव नहीं है, वह विश्वास नहीं है जो होना चाहिए। उसके होने पर ही इस तरह की घटनाओं, आश्चर्यचकित होने वाली जो घटनाएं हैं वह घटित होती हैं। जब हमारा हृदय प्रभु के प्रति इतना सहज हो जाएगा, सहज सरलता से विश्वास करने लगेगा प्रभु के अस्तित्व में, उस समय हमें यह घटनाएं विस्मयकारी नहीं लगेंगी, बल्कि है हमारे दिन प्रतिदिन दिनचर्या की तरह होने वाली घटनाओं की तरह हो जाएंगी। प्यारे भाई बहनों, कितना भी दुख आ जाए परंतु
प्रभु के श्री चरणों का ध्यान करना हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि भव सागर से तार वही सकते हैं, वही पार लगा सकते हैं। मैं भी प्रभु श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरे सभी प्रिय दर्शकों को इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें कि वह अपने प्रारब्ध के फलों को भोग सकें और प्रभु के चरणों से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली किसी सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।